I'm sharing my screen. Now the screen is visible to you. Now, in the last period, we have seen the functions of Windows. In that main function, we have to study the, that is deleting files and folders. In Word, MS Word, you have to write some notes or some document. You have to, then you will create a file. And suppose it is a subject of ICT. For that purpose, you have to create a folder of ICT. Means in next time, what are the notes you are getting, that will be stored in ICT folder. So this is the difference between file and folder. Means जैसा हम हमारे घर पे एक कोई काम होगा उस काम के सब कॉलेज के सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट उसका एक फाइल बनाते उसमें सब सर्टिफिकेट हम रखते बराबर तो फिर ढूंढते वक्त हमको तकलीफ नहीं होती कि वो फाइल में सब है ऐसे हमको पता रहता है. Similarly, here, यहाँ भी कंप्यूटर में हम ऐसा फोल्डर एंड फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं. तो उसके स्टेप्स क्या क्या है और कैसा स्क्रीन दिखेगा वो हम देखते हैं. यू कैन क्रिएट ए फाइल और इन मेनी लोकेशन ऑन द हार्ड डिस्क और इन अदर डिवाइसेस. आप हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, आपके पेन ड्राइव में कर सकते हैं. टू बेटर ऑर्गेनाइज योर फाइल्स यू कैन स्टोर देम इनटू फोल्डर्स. क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ फोल्डर्स होंगे तो हम इतनी सारी फाइल देखना नहीं पड़ेगा, देखने को तकलीफ होगी. इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें पर्टिकुलर काम की फाइल एक फोल्डर में रहेंगे, उस फोल्डर का नाम उस रिलेटेड टॉपिक का रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पांच सब्जेक्ट है, पांच सब्जेक्ट पे कुछ नोट्स सर दे रहे हैं तो पांच सब्जेक्ट की नोट्स हम एक ही इसमें रखेंगे तो हमको ढूंढने से तकलीफ होगी. लेकिन हम सब्जेक्ट वाइज अगर नोट्स रखा फोल्डर में तो ये फोल्डर इस सब्जेक्ट का है, मीन्स इस सब्जेक्ट की सभी कुछ भी जो भी होगा वो उसमें मिलेगा. तो उसके दो मेथड्स हैं. देर आर टू वेज इन विच यू कैन क्रिएट ए न्यू फोल्डर. कैसे करना है, मेथड वन, आपको क्या करना है, कंप्यूटर का आइकॉन डेस्कटॉप पे दिखेगा पहली स्टेप, उसको ओपन करना है. स्टेप टू, ओपन एनी ड्राइव वेयर यू वांट टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर. आपके पास सी ड्राइव है, डी ड्राइव है या आपका पेन ड्राइव होगा, किसमें चाहिए आपको. तो सपोज यहां हम देखते हैं कि डी ड्राइव करना है. स्टेप थ्री, क्लिक ऑन फाइल, उसमें फाइल मेनू मिलेगा. फाइल मेनू में क्या करेंगे आप, वहां न्यू जाएंगे, न्यू फोल्डर में जाएंगे. स्टेप फोर, ए न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड विद ए डी. वो क्या होगा, आपका फोल्डर तैयार होगा, उसका पहला नाम क्या होगा, न्यू फोल्डर होगा. देखो अभी यहाँ हम देखते पिक्चर में, यहाँ फाइल में हम गए हैं, बाद में आपको यहाँ न्यू मिला है, न्यू में आपको यहाँ फोल्डर पे जाना है. ये फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर नाम का फोल्डर तैयार होगा. करेक्ट.
ऐसा ये फंक्शन आपको करना है, तो ये ग्राफिकली आपको यहाँ बताया है कैसे करना है। स्टेप फाइव, टाइप इन द फोल्डर नेम एंड प्रेस एंटर की। आपको फोल्डर का नाम देना है और उसके बाद एंटर की प्रेस करना है। तो आपने उसका नाम क्या दिया है, टेस्ट फोल्डर। यहाँ देखते देखो आपका ये फोल्डर, यहाँ कंप्यूटर में ये डी ड्राइव है, यहाँ कंप्यूटर उसमें डी ड्राइव, और डी ड्राइव में ये न्यू फोल्डर पहले बना हुआ था, इसका आपको नाम क्या देना है, टेस्ट फोल्डर। तो वो टेस्ट फोल्डर, यहाँ आपका ये जो न्यू फोल्डर नाम है, यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये इस जगह में ब्लू क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप इसका कर्सर इधर है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं और नया नाम लिख सकते हैं। तो इधर बताया है कि आपने उसका नाम टेस्ट फोल्डर रखा है, यानी आपने रीनेम कर दिया। पहले उसका नाम क्या था, कंप्यूटर ने बनाया था, उसने न्यू फोल्डर ऐसा बनाएगा वो, और उसको नाम दे रहा है वो। ये एक मेथड हो गई बनाने की, टी फोल्डर बनाने के लिए। हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे यहाँ डायरेक्टली, क्योंकि हमको ये काम हमेशा करना पड़ेगा, पड़ने वाला है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक कंप्यूटर आइकॉन पे जाना है, वहाँ डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको कहाँ फाइल करनी है क्रिएट, वो जगह उसमें ऑप्शन रहेंगे डी सी, ये आपका पेन ड्राइव का नाम आएगा। बाद में आपको क्या करना है, उसमें फाइल मेनू में जाना है, क्लिक ऑन फाइल। फाइल में जाते ही आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा, उसमें न्यू, न्यू में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फोल्डर, आप वहां क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, कंप्यूटर आपको न्यू फोल्डर बना के देगा, जैसे इस फिगर में बताया। बाद में आपको क्या करना है, उसका नाम देना है, इसलिए आप क्या करेंगे, वहां टाइप करेंगे इसको टेस्ट फोल्डर, और वो फोल्डर दिस इज द वन मेथड। सेकंड मेथड, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए फोल्डर इन द डेस्कटॉप। अभी आपको फोल्डर कहाँ करना है, ड्राइव पे नहीं करना है, डेस्कटॉप पे नहीं, आपका सामने वाले जो स्क्रीन है उस पे करना है। तो क्या करना है आपको, सिर्फ डायरेक्टली आपको आपके डेस्कटॉप पे जाना है, और आपका माउस का जो है उसमें लेफ्ट क्लिक है और राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर होगा उसमें जाना है। फिगर में दिखाया है अभी अपने को, यहाँ क्या, ये पूरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में राइट क्लिक करने के बाद आपको ये मेनू मिलेगा, व्यू सॉर्ट रिफ्रेश, यानी आप डेस्कटॉप को क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, बाद में अंडू रीनेम कर सकते हैं, ग्राफिक प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ग्राफिक ऑप्शंस देख सकते हैं। न्यू, इसमें न्यू में जाने के बाद आपको इतना मिलेगा, फोल्डर क्रिएट करना है, शॉर्टकट क्रिएट करना है, अब इसे एक्सेस करना है, बहुत सारे फंक्शन है। तो ये न्यू में जाने के बाद आप यहाँ फोल्डर पर जाएंगे, फोल्डर क्लिक करेंगे, तो इमीडिएटली क्या होगा, आपका न्यू फोल्डर कहाँ पे आया होगा, डी ड्राइव पे नहीं, आपको डेस्कटॉप पे करना है, क्योंकि हमेशा लगने वाली है, हर बार डी ड्राइव में जाओ
वहां देखो, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा लगने वाला काम वाली फाइल है, इसलिए फोल्डर वो हमेशा डेस्कटॉप पे रखेंगे। वहां जाने के बाद हम क्लिक करेंगे और फाइल देख सकते हैं। उसके बाद इसका नाम आपको देना पड़ेगा, टाइप द नेम यू वांट एंड प्रेस एंटर की। आपको उसका नाम चेंज करना है, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा कौन सा नाम देगा, न्यू फोल्डर नाम देगा। करेक्ट। तो ये हो गए हमारे फाइल फोल्डर तैयार किए। अभी हमको क्या करना है, क्रिएटिंग फाइल्स। करेक्ट, क्रिएटिंग फाइल्स करना है। तो यहाँ वर्ड पैड बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देता है, आपको एक वर्ड पैड देता है जिसपे आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। उसके फीचर्स थोड़े लिमिटेड है एज कंपेयर टू एमएस ऑफिस का वर्ड फाइल। ये वर्ड फाइल वर्ड पैड नाम का या नोट पैड, पुराने समय में नोट पैड रहता था। वर्ड इज ए इन बिल्ट वर्ड प्रोसेसर। क्या है वो वर्ड प्रोसेसर, टाइपिंग के लिए यूज करते हैं। एप्लीकेशन इन विंडो ओएस टू क्रिएट ए मैनिपुलेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट में उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जिसके लिए विंडोज ये वर्ड पैड आपको देता है। अब इन ऑर्डर टू क्रिएट फाइल इन वर्ड पैड यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स। ये आपका वर्ड पैड का ये सब डॉक्यूमेंट यहाँ दिख रहा है। डॉक्यूमेंट का नाम वर्ड पैड है, इसमें होम, व्यू, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉन्ट टाइप, बोल्ड करना है, साइज है, ड्राइंग ऐड कर सकते हैं, वो सब उसमें दिया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट विंडोज ने दिया है ऑप्शन, लेकिन हम इसको यूज करते नहीं है, क्योंकि हम कि इतने हमको इतनी आदत हो गई है कि हम एमएस ऑफिस ही यूज करते हैं। तो अभी इसमें जाना कैसे होता है, कहाँ होगा ये प्रोग्राम, तो क्लिक स्टार्ट, आपका जो विंडोज का स्टार्ट बटन होगा वहां जाना है। उसमें ऑल प्रोग्राम्स में कहाँ, ये एसेसरीज में है, एसेसरीज में जाके वर्ड पैड ओपन करना है और उसको रन बोलना है और टाइप वर्ड पैड और क्लिक ओके बोलना है। तो वर्ड पैड विंडो विल बी ओपन एज शोन इन फिगर। ऐसी ये वर्ड पैड ओपन, उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, क्लिक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज वर्ड पैड और रन। करेक्ट, टाइप वर्ड पैड, वर्ड पैड पे जाके रन भी कर सकते हैं या फिर टाइप वर्ड। सेकंड, बाद में क्या करना है, आपको ये वर्क स्पेस मिल गया है, उस पर आप कुछ भी टाइप करेंगे, बराबर, आप उसमें कुछ भी टाइप करें, आपका कुछ तो भी एप्लीकेशन होगा, आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन लिखा, और बाद में उसको सेव करना इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा उस टाइम के बाद आपका डॉक्यूमेंट उसमें 20-25 लाइन है, तो 5-10 लाइन होने के बाद सेव करते रहने की आदत करनी चाहिए। उसके लिए सिंपल कमांड है कंट्रोल एस, ऐसा करना, वो सेव होते जाता है, क्योंकि लाइट गई तो फिर आपका सेव डॉक्यूमेंट नहीं है। तब कभी कभी एक तरह आपकी मेहनत चली जाती है इतनी,
कभी कभी कंप्यूटर एकदम स्विच ऑफ हो जाता है, कोई भी रीजन से कंप्यूटर बंद हो गया तो फिर आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए आप उसको सेव करते, हमेशा सेव करते थे, कंट्रोल स्पेस करके। उसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन, करेक्ट। डायलॉग बॉक्स में क्या होगा, सेव एज फाइल में जाके आपको सेव एज करना है। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन, इन द डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट द लोकेशन, आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है वेर यू वॉन्ट टू सेव द फाइल बाय यूजिंग लुकिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। एंड सेव द फाइल इन द सिलेक्टेड लोकेशन, या फिर आप आपके अभी जो टेस्ट फोल्डर किया उसमें भी सेव कर सकते हैं, उस पे जाके आपको सेव करना है। अभी दूसरा काम क्या है कि हमको फाइंड करना है फाइल्स एंड फोल्डर। अभी मेरे को मालूम है मेरे फाइल ये थी, वो ढूंढना कैसा है, यू कैन यूज द सर्च बॉक्स ऑन द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू के बाजू में एक सर्च बॉक्स दिया रहता है, टू क्विकली सर्च ए पर्टिकुलर फोल्डर और फाइल इन अ कंप्यूटर और इन अ स्पेसिफिक ड्राइव। कैसे करना है वो, टू फाइंड द फाइल और फोल्डर, टू फाइंड द फाइल और फोल्डर सबसे पहले आपको क्लिक द स्टार्ट बटन, द सर्च बॉक्स अपीयर एट द बॉटम ऑफ द स्टार्ट मेनू, टाइप द नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर यू वॉन्ट टू सर्च। आपको आपकी फाइल का नाम मालूम होना चाहिए या फोल्डर का नाम मालूम होना चाहिए, उसमें आपको टाइप करना है। इवन इफ यू गिव द पार्ट ऑफ द फाइल और फोल्डर नेम, आपने पूरा नाम दे दिया, सिर्फ तीन चार वर्ड भी लिख के फोल्डर पे, इट विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द फाइल और फोल्डर स्टार्टिंग विद द स्पेसिफाइड नेम। वो क्या करेगा, आपने जो टाइप किया उससे रिलेटेड जितने भी फाइल फोल्डर है वो आपको दिखाएगा। वो कैसे दिखाएगा वो हम देखेंगे। आपने क्या डाला है, यहाँ वर्किंग विथ विंड ऐसा डाला है, टाइप किया, क्या किया, यहाँ क्या है स्टार्ट मेनू था इस पे आपने क्लिक किया तो ये आपको ये मिला, सर्च विंडो, सर्च विंडो में आपने क्या किया, टाइप किया वर्किंग विथ विंड, तो क्या होगा देखो, ये वर्किंग विथ विंडोज फाइनल डॉक्यूमेंट, वर्किंग विथ विंडोज डॉक्यूमेंट, वर्किंग विथ विंडोज फाइनल पीडीएफ, वर्किंग विथ विंडोज डॉक्स, ये सभी नाम आपके आ गए दिखाएगा। द फाइल्स और द फोल्डर्स, द फाइल्स और द फोल्डर्स विद द स्पेसिफाइड नेम्स विल अपीयर। फिर उसमें आने के बाद आपको पता है कौन सी आपकी फाइल है, If you click that file, it will directly open that file or the folder. जो आपकी फाइल है या फोल्डर है उस पर जाके आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको ओपन होगा। इन दिस वे यू हैव टू डू सर्च द फाइल एंड फोल्डर। देर इज अनदर ऑप्शन कॉल्ड सी मोर रिजल्ट विच अपियर अबाउट द सर्च बॉक्स। देखो यहाँ इसके बाद सी मोर द रिजल्ट, क्योंकि वो क्या करता है, जितना उसका पेज एक पेज में जितना दिखेगा उतना ही बताएगा, उसमें नहीं मिला आपको तो फिर आपको क्या करना है, सी मोर रिजल्ट यहाँ क्लिक करना है तो फिर आगे का वो दिखाएगा। इफ यू क्लिक इट विल लीड यू टू द सर्च रिजल्ट डायलॉग बॉक्स व्हेन यू कैन क्लिक and open the file or the folder.
सर्चिंग फाइल्स और फोल्डर यूजिंग कंप्यूटर आइकॉन। दूसरी मेथड कैसी है, कंप्यूटर आइकॉन में जाके आपको सर्च करना है। तो आपके डेस्कटॉप पे कंप्यूटर आइकॉन रहता ही है, उसको क्लिक करना है। द कंप्यूटर डिस्क ड्राइव स्क्रीन विल अपीयर एट द टॉप राइट कॉर्नर दैट स्क्रीन देयर इज अ सर्च डायलॉग बॉक्स। आपका ये सर्च रिजल्ट इन कंप्यूटर ऐसा आ गया। इधर क्या होगा है? आपका ये सर्च विंडो है। तो आपने वर्किंग विद विंडोज ऐसा टाइप किया तो क्या करेगा, जो भी विंडोज होगा वो सब यहाँ दिखाएगा, करेक्ट। यहाँ से भी कर सकते हैं, स्टार्ट मेनू से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है कहाँ से करना है। थर्ड, टाइप द नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर यू वॉन्ट टू सर्च। तो पहले वाला हमने वर्किंग विथ विंडोज वही किया, यूज किया है, वो टाइप किया। फिर आपको यहाँ जो सब फाइल बताएगी, इसमें आप देखेंगे मेरी कौन सी फाइल है, द फोल्डर है, वहां जाएंगे और क्लिक करेगा। जस्ट क्लिक एंड ओपन द फाइल और फोल्डर। इन दिस वे यू आर गोइंग टू फाइंड द फाइल और फोल्डर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। वी हैव डिस्कस्ड टू मेथड यूजिंग कंप्यूटर आइकन एंड यूजिंग स्टार्ट मेनू। अभी आपको सिंपल काम बहुत करना है, ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ओपनिंग फाइल और फोल्डर इज टू डबल क्लिक ऑन इट। आपको क्या करना है, उसको डबल क्लिक करना है, वहां जाके दो बार क्लिक किया आपने तो आपकी फाइल ओपन हो। इतना सिंपल काम, एक बार किया तो नहीं, दो बार करना पड़ेगा डबल। अभी आपका फाइल और फोल्डर जो है उसका रीनेम करना है, नेम चेंज करना है आपको, तो वो कैसे कर सकते हैं? देयर आर नंबर ऑफ वेज टू रीनेम द फाइल्स और फोल्डर्स। यू कैन रीनेम यूजिंग फाइल मेनू, लेफ्ट माउस बटन और राइट माउस बटन। मेथड वन, आप यूज कर रहे हैं यूजिंग द फाइल मेनू। आपको क्या करना है, पहला काम सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू विश टू रीनेम। जो भी फाइल है या फोल्डर उसका नाम आपको चेंज करना है वो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाद में क्लिक फाइल रीनेम, जो भी नाम डालना है रीनेम में जाना है, टाइप इन द न्यू नेम टाइप करना है। टू फाइनलाइज द रिमेनिंग ऑपरेशन प्रेस एंटर, बाद में एंटर करना है। तो यहां अपन फिगर में देखेंगे कैसा करेंगे। ये जो है आपका कंप्यूटर है, यहाँ इसने फाइल में गए, आप फाइल में इतने सारे ऑप्शंस हैं, सेम टू न्यू, उसमें आपको कौन सा देखना है, पहले रीनेम देखना है, रीनेम देखना है, रीनेम करना है। किसको रीनेम करना है, सीक्रेट को रीनेम करना है, सीक्रेट फाइल है उसको रीनेम करना है। आपने उसका नाम क्या दिया, सीक्रेट, पहले सिलेक्ट करके रखा था सीक्रेट डीपीआर ऐसा नाम दिया, तो उसका नाम यहाँ अपीयर आ गया। बाद में सिर्फ एंटर करना है आपको, एंटर कर दिया चले वो काम हो गया। ये होगी एक मेथड। दूसरी सिंपल मेथड है, मेथड टू,
यूजिंग द राइट माउस बटन, जो भी फाइल है उसको सिलेक्ट करना है और उसका माउस का राइट बटन क्लिक करना है। सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू विश टू रीनेम, क्लिक द राइट माउस बटन ओवर द फाइल और फोल्डर, वो कैसा करेंगे? आपकी यहाँ जो फाइल थी उसमें आपका राइट क्लिक किया तो आपको ये मिलेगा सब। एक मिनट, राइट क्लिक करने के बाद ये मिलेगा, ये स्क्रीन मिलेगा, उसमें आपको क्या है, रीनेम ऑप्शन जाना है, सिलेक्ट रीनेम ऑप्शन, यहाँ सिलेक्ट किया हुआ दिखता है वो। सिलेक्ट द रीनेम फ्रॉम द पॉपअप मेनू, ये मेनू आपका पॉपअप होगा, अपने वहां आएगा ऐसा राइट क्लिक करने के बाद। टाइप इन द न्यू नेम, आपका जो भी नाम है न्यू नेम डालना है। टू फाइनलाइज द रीनेम ऑप्शन ऑपरेशन एंटर प्रेस करना है सिर्फ। देखो आपने यहाँ इसका फाइल का नाम, ये फोल्डर का नाम C++ कर दिया, यहाँ जाके आपने क्या किया था, राइट क्लिक किया, ये देखो ये मैंने राइट किया है, करेक्ट, ये सब ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो हमने क्या देखा कि रीनेम का दूसरा मेथड भी देखा कि सिर्फ जाके वहां जाके आपको राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक मतलब क्या है, बहुत चीज अगर राइट क्लिक से आपका बहुत सारा काम सिंपल होता है, कोई भी एप्लीकेशन हो वहां आपको काम करते वक्त राइट क्लिक करने के बाद वो क्या करता है, उस रिलेटेड फाइल फोल्डर फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं उसके, वो सब आपको दिखाएगा, जो डार्क में होंगे उतने ही काम कर सकता है, जो ग्रे शेड में होंगे वो डिसेबल किया है, वो काम आप नहीं कर सकते, ऐसा आपको। द मेथड थर्ड, लेफ्ट माउस बटन से कैसे करेंगे, यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू विश टू रीनेम, जो फाइल आपको रीनेम करनी है उसको सिलेक्ट करना है। बाद में प्रेस आपके कीबोर्ड पे फंक्शन की होगा F2, प्रेस F2 और क्लिक ओवर द फाइल और फोल्डर, आप F2 प्रेस करो या फिर जो फाइल फोल्डर सिलेक्ट किया उसको क्लिक करो। ए सराउंडिंग रेक्टेंगल विल अपीयर अराउंड द नेम, एक रेक्टेंगल अपीयर होगा, उसमें आपको नया नाम टाइप करना है। बाद में टू फाइनलाइज द नेम प्रेस एंटर, इतना सिंपल काम है। तो ये हो गया हमारा रीनेमिंग काम। अभी आपको क्या करना है, मूविंग एंड कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर, आपको फाइल एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करनी है, तो फोल्डर सी ड्राइव से पेन ड्राइव में लेके जाना है। कॉपी का मतलब है कि जहां ओरिजिनल प्लेस है वहां वो रहेगा और दूसरे जगह आप जाएंगे वहां भी रहेगा, यानी दो जगह दोनों रहेगा, ऐसा नहीं कट नहीं होगा वो वहां से। मूव ऑप्शन जो है, मूविंग क्या मीनिंग क्या है, वहां से लेके हम दूसरी जगह लेके गए तो पहले जगह नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, ये कॉपी ही ऑपरेशन, इसलिए कॉपिंग फंक्शन प्रॉपर है, क्योंकि ओरिजिनल जगह जहां से आपको कॉपी किया है उसी जगह रहेगा और नए जगह भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका सी ड्राइव में था एक फोल्डर, वो आपने कॉपी किया पेन ड्राइव में, तो सी ड्राइव का फोल्डर चला गया पेन ड्राइव में, ऐसा नहीं होगा, सी ड्राइव में भी रहेगा और पेन ड्राइव में भी रहेगा।
You can move your files or folder to other area using variety of methods. Moving files and folders. Method 1. अभी यहाँ कट एंड पेस्ट, अगर आपने कट यूज किया और पेस्ट किया तो पहली जगह से निकल जाएगा, कट एंड पेस्ट। टू मूव ए फाइल और फोल्डर, फर्स्ट सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर, देन चूज वन ऑफ द फॉलोइंग, क्लिक द एडिट मेनू, उसमें क्या कर रहा है, कट और कंट्रोल एक्स, वहां जाके माउस से कट सिलेक्ट करो या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स करो या राइट क्लिक करो। राइट में जो पॉपअप मेनू आएगा उसमें कट सिलेक्ट करो। तो ये क्या हो गया, कट ऑपरेशन हो गया। बाद में टू मूव द फाइल और फोल्डर इन द न्यू लोकेशन, दूसरे लोकेशन पे आपको लेके जाना है। नेविगेट टू द न्यू लोकेशन, न्यू लोकेशन आपका पेन ड्राइव होगा सपोज, तो पेन ड्राइव पे जाके वहां क्लिक करना है। पेस्ट इट यूजिंग एडिट, फिर एडिट में जाएंगे और पेस्ट फ्रॉम एडिट मेनू, उस कौन सा यूज करेंगे, पेस्ट फंक्शन, पेस्ट लिखा होगा वो टाइप करेंगे या फिर कंट्रोल वी करेंगे यूजिंग कीबोर्ड। माउस से यूज किया तो पेस्ट वर्ड सिलेक्ट करना है और माउस नहीं यूज करना है तो कंट्रोल वी, या फिर राइट क्लिक में जाके पेस्ट बोलना है पॉपअप मेनू में और द फाइल विल बी पेस्टेड इन द न्यू लोकेशन। आपने क्या किया है, पहला जो है वो कट किया है, इसलिए ओरिजिनल पहली जगह से निकल जाएगा, वहां नहीं रहेगा, वहां नहीं रहेगा। देखो यहाँ न्यू फोल्डर इज रीनेम, ऑन द राइट क्लिक पेस्ट द फॉर्म ऑफ पॉपअप मेनू, द फाइल विल बी पेस्टेड इन द न्यू लोकेशन, ये न्यू लोकेशन पे डेस्कटॉप पे हमने स्टोर कर दी। दूसरी मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप, इन द डिस्क ड्राइव विंडो यू हैव टू पेन्स कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट पेन, आपको लेफ्ट पेन है दूसरा राइट पेन है, मैंने आपका जो डेस्कटॉप का स्क्रीन है वो डिवाइड होगा लेफ्ट और राइट में, ऐसा दिखता है वो। इन द लेफ्ट पेन, लेफ्ट पेन में क्या रहता है, द फाइल्स और फोल्डर आर डिस्प्लेड लाइक ए ट्री स्ट्रक्चर, एक ट्री का स्ट्रक्चर जैसा है वहां फाइल और फोल्डर दिखता है, यानी सी ड्राइव में कौन सी है, डी ड्राइव में कौन सी है, वो सब ऐसा दिखता है। इन द राइट पेन द फाइल इनसाइड द स्पेसिफाइड फोल्डर, इन द लेफ्ट पेन आर डिस्प्लेड विद द वेरियस ऑप्शन, आपने लेफ्ट पे जो फोल्डर पर आपका आइकन होगा उसकी सभी फाइल राइट में दिखेगी आप। इन द राइट पेन ऑफ द डिस्क ड्राइव विंडो सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वॉन्ट टू मूव, आपको क्या करना है, जो फाइल राइट पेन में जो है उसको सिलेक्ट करना है पहले, जिसको मूव करना है आप, क्लिक वहां कंप्यूटर से क्लिक करना है और वो क्लिक छोड़ना नहीं है, उसको ड्रैग करना है, खींचना है। द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर फ्रॉम द राइट पेन टू द फोल्डर लिस्ट ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट पेन पे जो फोल्डर लिस्ट है उस पे जाके दूसरे फोल्डर में जाके हमको वो प्लेस करना है। कब तक
क्लिक बटन रिलीज नहीं करना है जब तक आप लेफ्ट पेन में जाके दूसरे फोल्डर में जाते नहीं तब। तो रिलीज द माउस बटन व्हेन द टारगेट फोल्डर इज हाईलाइटेड। आपको जब डायरेक्ट टारगेट पे आपने कॉपी करना है, वो टारगेट फोल्डर है वो हाईलाइटेड होगा, उसका कलर चेंज होगा, एक्टिव देखेगा, उस वक्त आपको रिलीज करना है। मीन्स मूविंग ऑफ इट, योर फाइल और फोल्डर विल नाउ अपीयर इन द न्यू एरिया एज शोन फिगर। देखते हैं कैसा फिगर में दिखेगा, देखो। ये आपने क्या किया, उबंटु नाम का यहाँ था, ये इसके ऊपर क्लिक किया और ये यहाँ टेस्ट फोल्डर में गया। टेस्ट फोल्डर में जाने के बाद ये आपका हाईलाइट हो गया और बाद में आपने माउस उसके, तो ये उबंटु क्या होगा, इधर टेस्ट फोल्डर में जाएगा। ये फोल्डर किधर आ गया, टेस्ट फोल्डर में आ गया। ये मूविंग ऑपरेशन करेक्ट। अब ये ऑपरेशन में क्या है कि मूव किया मीन्स आपका क्या है कि पहले जगह नहीं रहेगा, यानी कट किया आपने। दूसरा क्या है, कॉपी एंड पेस्ट। देर आर वेराइटी ऑफ वेज टू कॉपी फाइल्स एंड फोल्डर। अभी यहाँ क्या करने वाले, आप कॉपी करने वाले हैं उसको और पेस्ट करना, इसलिए यहाँ इस केस में ओरिजिनल जगह वो रहेगा। पहली मेथड कौन से है, टू कॉपी ए फाइल और फोल्डर, फर्स्ट सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर एंड देन चूज वन ऑफ द फॉलोइंग। एडिट में जाना है, कॉपी वर्ड पे जाना है या फिर कंट्रोल सी कीबोर्ड से यूज करना है या फिर राइट क्लिक करना है कॉपी फ्रॉम पॉप, और राइट क्लिक करने के बाद पॉपअप मेनू आएगा उसमें कॉपी सिलेक्ट करना है। तो क्या आपका कॉपी ऑपरेशन हो गया, जो आपको फाइल या फोल्डर कॉपी करना था वो कॉपी हो गया है। यहाँ पर तीन मेथड से हमने किया, एडिट में जाके किया, कंट्रोल सी यूज करके किया या फिर राइट क्लिक करके किया। टू पेस्ट द फाइल और फोल्डर, अभी हम का हमारा काम क्या है कि कॉपी है हमारे, कॉपी कहाँ रहेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड एज क्लिपबोर्ड, क्लिप बोर्ड में रहेगा वो। टू पेस्ट द फाइल और फोल्डर इन द न्यू लोकेशन, नेविगेट टू द टारगेट फोल्डर लोकेशन। आपको क्या करना है, ढूंढना है कहाँ जो फोल्डर टारगेट फोल्डर है वहां, वो जगह ढूंढनी है, उसको नेविगेट किया आपने, फाइंड कर दिया कहाँ पेस्ट करना है, बाद में क्लिक एडिट करना है, पेस्ट और कंट्रोल भी और राइट क्लिक या फिर पेस्ट फ्रॉम द पॉपअप मेनू, या पॉपअप मेनू में से राइट क्लिक किया तो पॉपअप मेनू आएगा उसमें से पेस्ट ये वर्ड सिलेक्ट करना है तो वो वहाँ पेस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ सीखते हैं, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट। अभी दूसरा क्या है, दूसरा मेथड ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप। इन द राइट पेन सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू कॉपी, आपको जो कॉपी करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। अभी क्लिक एंड ड्रैग द सिलेक्टेड फाइल, क्लिक करना है और क्लिक छोड़ना नहीं है, और वो फाइल या फोल्डर ड्रैग करना है कहाँ तक, लिस्ट ऑन द लेफ्ट एंड ड्रॉप इट। लेफ्ट साइड पेन में जो भी
फोल्डर होगा उस पे जाके आपको सिलेक्ट करना है और उधर ड्रॉप करना है जहां जाना। योर फाइल एंड फोल्डर विल नाउ अपीयर इन द न्यू एरिया। कॉपी फाइल एंड फोल्डर टू रिमूवेबल डिस्क। रिमूवेबल डिस्क मीन्स आपका पेन ड्राइव, उसमें करना है। तो देर आर सेवरल मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल टू और फ्रॉम रिमूवेबल डिस्क। रिमूवेबल जो डिस्क आप रिमूव कर सकते, फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव, उसमें क्या है कॉपी एंड पेस्ट एंड सेंड टू, ऐसे दो ऑप्शन। मेथड वन कॉपी पेस्ट, प्लग द यूएसबी फ्लैश ड्राइव डायरेक्ट इनटू द अवेलेबल यूएसबी पोर्ट। आपको यूएसबी फ्लैश ड्राइव पहले जहाँ यूएसबी पोर्ट है वहां लगाना है। इफ यूएसबी फ्लैश ड्राइव और एक्सटर्नल ड्राइव फोल्डर डज नॉट ओपन ऑटोमेटिकली, जो फोल्डर आपको चाहिए ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है क्लिक स्टार्ट, उसमें कंप्यूटर में जाना है। करेक्ट, इसे कंप्यूटर में जाना है। डबल क्लिक ऑन द रिमूवेबल डिस्क एसोसिएटेड विथ यूएसबी। आपको क्या करना है डबल क्लिक करना है कहाँ, द रिमूवेबल डिस्क एसोसिएटेड विथ यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो वहां यूएसबी ड्राइव का लोकेशन बताया दिखेगा, वहां हम देखते हैं फिगर में कैसा दिखेगा। यहाँ ये यह आपने आपका यूज किया है, यहाँ इधर दिख रहा है आपका ये रिमूवेबल डिस्क, और ये आपका ई ड्राइव है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव, ये कैसे कंप्यूटर के इंटरनल ड्राइव है। ये आपने एक्सटर्नल लगाया उसका, उसको क्या बोला उस पर एच ड्राइव, लेकिन आपके यूएसबी को आपने नाम दिया है ऐसा कुछ तो दिला। ये आपको यहाँ जाना है, नेविगेट द फोल्डर इन योर कंप्यूटर कंटेनिंग फाइल यू वांट टू ट्रांसफर। जो भी फाइल है वो आपको नेविगेट करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कौन सी फाइल या फोल्डर करनी है, टेस्ट करनी है। अभी यहाँ क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू कॉपी, देन सिलेक्ट कॉपी। जो भी फाइल कॉपी करनी है उसको क्या करना पड़े आपको, राइट क्लिक करना है ऑन द फाइल यू वांट टू कॉपी। फॉर एग्जांपल यहाँ आपने उन्होंने ये फाइल थी उसको भी वर्ड की, इधर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये मेनू आएगा पॉपअप मेनू के बाद, यहाँ से कौन सा सिलेक्ट करना है, कॉपी सिलेक्ट करना है। कॉपी फाइल यूजिंग राइट क्लिक, इसको सिलेक्ट किया। रिटर्न टू द रिमूवेबल डिस्क, आप रिमूवेबल डिस्क में फिर आ जाओ इधर। यहाँ रिमूवेबल डिस्क क्या थी, यहाँ है रिमूवेबल डिस्क, इसमें पहले ये फाइल थी, बाद में राइट क्लिक करना है और उसको क्या बोलना है पेस्ट बोलना है, पेस्ट सिलेक्ट, या फिर आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये होगा एक मेथड। दूसरा मेथड है सेंड टू, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लग द यूएसबी फ्लैश ड्राइव डायरेक्टली इनटू द अवेलेबल यूएसबी पोर्ट, नेविगेट टू द फाइल और फोल्डर इन योर कंप्यूटर कंटेनिंग फाइल्स यू वांट टू ट्रांसफर। जिस फोल्डर में की फाइल आपको ट्रांसफर करनी है, किस फोल्डर में की फाइल आपको ट्रांसफर करनी है, क्या करना है उसको, राइट क्लिक ऑन द फाइल, उस
के ऊपर जाकर राइट क्लिक करना है, जिसको ट्रांसफर करना है उसको यू वांट टू ट्रांसफर टू द रिमूवेबल डिस्क, जिसको ट्रांसफर करना है रिमूवेबल डिस्क में वहां जाना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्लिक सेंड टू द सिलेक्टेड रिमूवेबल डिस्क एसोसिएटेड विथ यूएसबी फ्लैश ड्राइव। उस वक्त कौन सा ऑप्शन यूज करना है, सेंड टू, तो यहाँ देखेंगे आप ये अपना ड्राइव था, आपने राइट क्लिक किया, इधर मैसेज आया सेंड टू, जो फाइल थी उसको क्या किया आपने राइट क्लिक किया, उधर आया मैसेज। तो ये राइट क्लिक करने के बाद ये पॉपअप मेनू मिला आपको, इसमें सेंड टू है, कट है, कॉपी है, क्रिएट शॉर्टकट, डिलीट रिनेम प्रॉपर्टी। तो आपको बताना है यहाँ कहाँ करना है, रिमूवल डिस्क में करना है, इधर कहाँ कॉपी करना है, कॉम्प्रेस करना है, डेस्कटॉप पे करना है, डॉक्यूमेंट ये सब दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, मथाई नाम आपका रिमूवल डिस्क है वहाँ सेंड करना है, वो आपने सेंड कर दिया। तो ये हमारा सेंडिंग का काम हो गया। अभी कभी कभी क्या होता है कि हमको फाइल अननेसेसरी ज्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ कुछ का काम बिल्कुल नहीं रहता, तो उस वक्त उनको डिलीट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे को जगह का प्रॉब्लम आने वाला है अभी आगे जगह के, हम यूज करते करते एक दो साल में हमारा हार्ड डिस्क फुल हो जाएगा। जैसे हार्ड डिस्क फुल होता है तो उससे क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर का स्पीड भी कम हो जाता है, अननेसेसरी फाइल, जंक फाइल जो काम की नहीं है, जिसको आपने दो दो साल तक देखा भी नहीं है ऐसी फाइल होंगी, तो वो देखना है और उसको डिलीट कर देना है। ज्यादा फाइल रहेगी, जितनी स्पेस आपकी ज्यादा ऑक्यूपाई होगी उतना आपका स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि उसको ढूंढने में उतना उतनी फाइल के थ्रू जाना पड़ता है। अभी हम क्या करेंगे, उस वक्त क्या है सॉल्यूशन है कि स्पेस एम्प्टी कर रहा है, मीन्स फाइल को डिलीट कर रहा है। व्हेन यू डिलीट ए फाइल और फोल्डर इट विल मूव इनटू रिसाइकल बिन। अभी ये फाइल और फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो पहले क्या जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। सर मैंने बताया कि हमारे घर में हम क्या करते हैं, कागज कचरा रखने का एक बॉक्स है, उसमें हम पहले डालते हैं और बाद में उसको बाहर फेंकते हैं, फिर इसमें भी क्या है वैसे ही रिसाइकल बिन है, तो बाद में वो भर गई तो हम क्या करेंगे, उसको एम्प्टी कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे कंप्यूटर से बाहर चले जाएगा। रिसाइकल बिन से आप आपकी फाइल रिस्टोर कर सकते हैं, वहाँ कॉपी फंक्शन नहीं यूज होगा। रिसाइकल बिन में से अगर आपको फाइल अपने जगह फिर चाहिए होंगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर नाम का ऑप्शन है फंक्शन, रिस्टोर राइट क्लिक करने के बाद आपको रिस्टोर मिलेगा या फिर एम्प्टी रिसाइकल मिलेगा। तो टू डिलीट फाइल और फोल्डर क्या कैसा करेंगे हम, ये सबसे पहले क्या काम है, जो फाइल या फोल्डर हमको डिलीट करने है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद हमारा माउस जो है उसका राइट क्लिक बटन यूज करें, राइट क्लिक करने के बाद हमको पॉपअप मेनू आएगा, पॉपअप मेनू में हमारा ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है डिलीट, मीन्स वो फाइल डिलीट हो जाएगी। या फिर आप आपके कीबोर्ड में डिलीट नाम की एक की है वो प्रेस कर दीजिए तो डिलीट हो जाएगा। आपको डिलीट वर्ड पे जाने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है सिर्फ डिलीट करना है, आपको सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है, तो फाइल विल बी डिलीटेड बट एंड मूव टू द रिसाइकल बिन, वो कहाँ जाएगी,
डिलीट होके रिसाइकल बिन में ही जाएगी, दूसरी जगह नहीं जाएगी। अब रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन इज ए स्पेशल फोल्डर। अभी ऑब्जेक्ट टाइप में ये हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, वो क्या है? रिसाइकल बिन इज ए स्पेशल फोल्डर टू कीप द फाइल्स और फोल्डर डिलीटेड बाय द यूजर। जो भी डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स है उसको वो अपने पास रखता है, विच मीन्स यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रिकवर देम। आपके पास एक चांस है कि आप उसको फिर यूज कर सकते, रिस्टोर कर सकते या रिकवर कर सकते। द यूजर कैनॉट एक्सेस द फाइल और फोल्डर अवेलेबल इन द रिसाइकल बिन। आप रिसाइकल बिन में जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे, हम देखना चाहेंगे तो वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्टोर करने के बाद ही देख सकते हैं। To restore the file from or folder from the recycle bin, क्या करना पड़ेगा? Open recycle bin। आपको recycle bin open करना पड़ेगा, वहां जाके double click करना पड़ेगा। Right click on the file or folder to be restored। जो भी file और folder हमको restore करना है फिर से देखना है। And select restore option from the pop-up। Right click on the file or folder to be restored and select restore option from the pop-up menu. To restore multiple files, आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी या फिर सभी को सिलेक्ट कर दो, पूरा रिसाइकल बिन रिस्टोर हो जाएगा। टू डिलीट ऑल द फाइल इन द रिसाइकल बिन, आपको क्या करना पड़ेगा? एम्प्टी रिसाइकल बिन, एक फाइल तो आपको सभी फाइल डिलीट करने, तो आपको एम्प्टी करना पड़ेगा। या फिर कुछ फाइल करनी तो कुछ फाइल भी कर सकते हैं। तो फोल्डर और फाइल के साथ आप इतने काम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो सभी ऑप्शन हमने देखे, तो मेजर काम यही करना पड़ता है हमको, इसलिए ये टॉपिक हमने ज्यादा डिटेल में पढ़ा। अभी अगला हम क्या करते हैं? क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है फाइल जो है या फोल्डर उसका शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, यानी बहुत कम जगह लगती है। डेस्कटॉप पे पूरी फाइल रखना या फिर पूरा फोल्डर रखना वो अन इकोनॉमिकल है, क्योंकि उतनी स्पेस ज्यादा लगती है डेस्कटॉप पे, और उससे क्या हो जाता है, हमारा कंप्यूटर का स्पीड भी कम हो जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या किया है, आपको चाहिए है ना डेस्कटॉप पे एक्सेस करने के लिए, तो उसको क्या करना है, उसका शॉर्टकट क्रिएट करो। यानी फाइल ओरिजिनल जगह रहेगी लेकिन उसका एक शॉर्टकट रहेगा, उस फाइल में जाने के लिए शॉर्टकट जो रहेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करके इमीडिएटली आप वो फोल्डर में जाएंगे। आपका ऐसा सी फोल्डर सी ड्राइव पे जाके देख शॉर्टकट के लिए बहुत कम जगह यूज की जाए, यानी सिर्फ नाम उसका शॉर्टकट
to your most often used folders and files may be created and placed on the desktop to automate your work. हमारा काम फास्ट होने के लिए, ऑटोमेट होने के लिए ये फैसिलिटी दी हुई है, तो क्या कैसे करेंगे? ये सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट यू विश टू हैव एज एन शॉर्टकट ऑन अ डेस्कटॉप. जो भी फाइल फोल्डर है उसको आपको क्या करना, पहले करना पड़ेगा जिसका शॉर्टकट क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे, उसको बाद में राइट क्लिक फाइल और फोल्डर, उस फाइल को राइट क्लिक करो या फोल्डर को राइट क्लिक करो. उसके बाद थर्ड ऑप्शन है सिलेक्ट सेंड टू फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू. शॉर्टकट मेनू कर एंड देन सिलेक्ट डेस्कटॉप. कहाँ करना है शॉर्टकट वो आपको बताना पड़ेगा. फ्रॉम द सब मेनू, सब मेनू से आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ करना है डेस्कटॉप. शॉर्टकट फॉर फाइल और फोल्डर विल नाउ अपीयर ऑन द डेस्कटॉप एंड यू कैन ओपन इट फ्रॉम द डेस्कटॉप इन द सेम वे एज एनी अदर आइकॉन. कैसा करेंगे देखो अभी. क्रिएटिंग शॉर्टकट, आपने फाइल सिलेक्ट की है, बाद में आपको राइट क्लिक किया ओपन शेयर विद सेंड टू, तो हमको कहाँ जाना है सेंड टू, और क्या बोलना है उसको डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट. डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्ट, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करो. इन दिस वे द शॉर्टकट विल बी क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप. और शॉर्टकट होने के बाद वहां ऐसा फाइल रहेगा और एक ऐसा एरो टाइप रहेगा सिंबल, तो वो पता चलेगा आइकॉन है या शॉर्टकट है. तो शॉर्टकट और आइकॉन आप खुद देख सकते हैं कि उसमें क्या फर्क है. तो वो उसका आइकॉन में एक एरो रहेगा, दैट इज नथिंग बट इंडिकेशन ऑफ द शॉर्टकट. वो क्या है, इंडिकेशन है शॉर्टकट का. ठीक है, वी विल स्टॉप हियर टिल 9.